हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। सो टाइम वेस्ट किए बिना करना शुरू करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब इसका मीनिंग क्या है? देखिए, फोर का मीनिंग है, मैं इसको एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे, फोर। अब यहाँ पे है 81 की पावर माइनस ऑफ टू। इसका मीनिंग क्या है प्रॉपर? 81 की पावर कितनी है? माइनस टू। इस फोर का मीनिंग क्या होता है कि इस होल की पावर कितनी है? 1/4 है। ठीक है, तो इसका मीनिंग आपको अच्छे से समझना है कि क्या है। एक तो होता है सिंपली इस तरीके से लिखा हो, इसका मतलब तो हो जाएगा कि मल्टीपल में है। अगर इस तरीके से लिखा है, इट्स मीन ये क्या है? 1/4 की पावर है। अब देखिए, इन्हें सोल्व करना है जस्ट, और कुछ भी नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे पहले हम 81 को देख लेते हैं। 81 की पावर कितनी है? माइनस ऑफ 1/2 है। तो मैं अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ, 1/81 की यहाँ पे की होल पावर अगर मैं लिख दूँ, तो भी क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। कैसे? क्या देखिए, हमने प्रॉपर्टी की थी ना कि ए की पावर अगर माइनस एम है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/a की पावर m लिख सकते हैं, या हम क्या लिख देंगे? 1/a की पावर होल पावर क्या लिख देंगे? हम m भी इसको लिख सकते हैं। तो ये इनकी होल पावर अब कितनी है? 1/4 है। ठीक है, तो यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए, 1/4 में क्या आ गया? ये 81। अब 81 के फैक्टर कर लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? 3 से डिविजिबल है। 3 2 6 एंड 3 7 21, अगेन 3 9 27, 3 3 तो कितने टाइम आ गया? 1 एंड 2 टाइम आ गया। मतलब कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4। अब क्यों लिखा हमने, देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखा 3 की पावर हमने 4 लिख दिया। ठीक है, इसकी होल पावर क्या है आपके पास? 2 है, और इसकी होल पावर कितनी है? 4। तो अब देखिए इसको किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। तो ये बन जाएगा आपका 1/3। अभी पावर है, आपस में क्या हो जाएंगी? पावर के साथ फॉर्मूला हमने सीखा था कि अगर हमारे पास क्या हो, एक नंबर है, उसकी पावर की भी पावर अगर हो, तो क्या हो जाती है? पावर हमेशा आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इनकी पावर को क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 की पावर 4 है, तो यानी हम क्या लिख देंगे? 4 मल्टीप्लाई में 2। अब 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 ही आएगा ना, तो इसकी होल पावर कितनी दी हुई है आपको? 1/4 गिवन है। तो अब देखिए क्या बचेगा हमारे पास, ये बन गया आपके पास, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की होल पावर क्या हो जाएगी? ये 4 2 8 और मल्टीप्लाई में कितनी है? 1/4 है। तो 4 1 4 4 2 8 हो जाएगा, यानी क्या रहेगा रिमेनिंग? 1/3 की होल पावर 2। और 1/3 की होल पावर 2 का मीनिंग क्या है कि हमने 1/3 कितने बार लिखा? 2 टाइम। तो मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 1/9। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। क्लियर? सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम योर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम्स। एंड डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर क्वेश्चन। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।